हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मॉस्क्यू। बच्चों आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? मॉस्क्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। मुस्लिम्स वर्शिप गॉड इन अ मॉस्क्यू। मुस्लिम्स जो पीपल्स होते हैं वो अपने गॉड की पूजा कहाँ करते हैं? मॉस्क्यू में करते हैं। दे कॉल गॉड बाय द नेम ऑफ अल्लाह। वे अपने गॉड को किस नाम से पुकारते हैं? अल्लाह के नाम से पुकारते हैं। देयर प्रेयर इज कॉल्ड नमाज। उनके जो प्रेयर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नमाज बोलते हैं। देयर हॉली बुक इज कॉल्ड कुरान। उनकी जो हॉली बुक्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कुरान बोलते हैं। अ मुस्लिम प्रीस्ट इज कॉल्ड मौलवी। मुस्लिम के जो प्रीस्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मौलवी बोलते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। बच्चों आप इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में क्या है? कुछ पीपल्स हैं जो क्या कर रहे हैं? मॉस्क्यू में अपने गॉड की पूजा कर रहे हैं। बच्चों तो मुस्लिम अपने गॉड को किस नेम से पुकारते हैं? अल्लाह के नाम से पुकारते हैं। उनके प्रेयर को हम क्या बोलते हैं? नमाज बोलते हैं। और उनकी होली बुक जो होती है वो क्या होती है बच्चों? कुरान होती है। और मुस्लिम के जो प्रीस्ट होते हैं वो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो मौलवी। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मौलवी बोलते हैं। नेक्स्ट है मॉस्क्यू। क्रिश्चियन प्रे टू क्राइस्ट इन द नेक्स्ट है चर्च। क्रिश्चियन प्रे टू क्राइस्ट इन द चर्च। क्रिश्चियन जो होते हैं वो क्राइस्ट की पूजा कहाँ करते हैं? चर्च में करते हैं। देयर हॉली बुक इज कॉल्ड बाइबल। उनके जो हॉली बुक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बाइबल्स बोलते हैं। द प्रीस्ट ऑफ चर्च इज कॉल्ड अ कलजी मैन। जो हमारे चर्च के प्रीस्ट पुजारी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कलजी मैन बोलते हैं, मीन्स की पादरी। और चर्च प्रेयर इज कॉल्ड अ सर्विस। जो चर्च के प्रेयर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सर्विस बोलते हैं। तो बच्चों चर्च में कौन कौन जाता है पूजा करने? चर्च में क्रिश्चियन जो होते हैं वो क्राइस्ट की पूजा करते हैं। उनके जो हॉली बुक्स होते हैं वो क्या होते हैं? बाइबिल होते हैं। उनके जो प्रीस्ट होते हैं मीन्स की पुजारी थे उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? कलजी मैन के नाम से जानते हैं। उनके प्रेयर को हम क्या बोलते हैं? सर्विस बोलते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। बच्चों आप इस पिक्चर देखो, इस पिक्चर में क्या है? बहुत सारे पीपल्स हैं जो क्या कर रहे हैं? इन द चर्च, चर्च के अंदर क्राइस्ट की प्रेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है मॉनेस्ट्री। मॉनेस्ट्री आर द बुद्धिस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप। मॉनेस्ट्री जो होता है वो बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट होते हैं ना, बुद्धिस्ट लोग, उनके पूजा करने का प्लेस होता है। नेक्स्ट जो है वो है फायर टेम्पल। फायर टेम्पल क्या होता है? पेरिस प्रे इन द फायर टेम्पल। जो पेरिस पीपल्स होते हैं वो फायर टेम्पल में क्या करते हैं? पूजा करते हैं। दस वी सी दैट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस हैव देयर ओन प्लेस ऑफ वर्शिप एंड कॉल गॉड बाय डिफरेंट नेम। इसलिए हम सभी अलग वी सी द डिफरेंट पीपल, हम अलग अलग रिलीजियंस के पीपल्स को देखते हैं। Have their own place of worship. वो अपने अपने प्लेस पर पूजा करते हैं और अपने अपने गॉड को क्या करते हैं? अलग अलग नेम से बुलाते हैं। We should respect their place of worship. हमें अपने वर्शिप की प्लेस का क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड देयर वे ऑफ वर्शिप। और उनकी पूजा करने के तरीकों को हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। We should not forget their That there is only one God. हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि there is only one God. हमारे यहाँ मतलब कि यहाँ क्या एक ही God है। तो बच्चों आपको समझ में आया ना? फायर टेम्पल्स क्या होता है? जो पेरिस जो होती हैं वो क्या करते हैं? फायर टेम्पल में प्रे करते हैं। दस इसलिए वी शुड दैट सी दैट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव देयर ओन प्लेसेज ऑफ वर्शिप। हम सभी अलग अलग पीपल्स को देखते हैं, अलग अलग रिलीजन्स के, और उनके क्या होते हैं? अलग अलग प्लेस होते हैं वर्शिप के, और अपने गॉड को बुलाने का अलग अलग नेम होते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड देयर वे ऑफ वर्शिप। हमें सभी को क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए वर्शिप की प्लेसेस को, मीन्स की जो अपने अपने प्लेसेस पर जहाँ जहाँ भी इन लोग वर्शिप करते हैं उनके प्लेसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उनके वर्शिप करने के वे तरीके के मीन्स की वे को भी हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि देयर इज ओनली वन गॉड। हमारे यहाँ क्या है? ओनली वन ही गॉड होते हैं।
बच्चों तो आपको समझ में आया ना, फायर, टेम्पल्स, चर्च, मॉस्क्यू एंड मोनेस्ट्रीज। तो टुडे वी विल, टुडे योर चैप्टर इज एंड वी विल, आज आपका क्या हुआ बच्चों, चैप्टर खत्म हो गया। टुडे योर होमवर्क इज लेट अस प्रैक्टिस। बच्चों आपको क्या करना है, आपको अपने बुक्स में ये सारे एक्सरसाइजेस को फील करने हैं। बच्चों मैं इस एक्सरसाइजेस की फील करके और मैं पिक आपको आपके असाइनमेंट में सेंड कर दूंगी और क्वेश्चन आंसर भी असाइनमेंट में सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।